चैप्टर थ्री मैट्रिसेस का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी सीबीएसई बुक जो है चैप्टर, उसमें जो जो सेलिएंट फीचर्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद डिटर्मिनेंट्स भी आने वाला है और बहुत हद तक यही समझ में नहीं आता है कि भाई मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं, मैट्रिक्स क्या करता है, वो क्या करते हैं। तो इसीलिए मैट्रिक्स का मतलब समझ लीजिए कि ये केवल ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स हैं, यानी कि आप एक रेक्टेंगल बनाइए, उसमें कुछ नंबर्स रख दीजिए और वो ऑर्डर्ड होंगे, यानी किसी ने किसी चीज को फॉलो कर रहे होंगे, ऑर्डर में होंगे, या इसके अंदर कुछ फंक्शंस रख दीजिए, वो फंक्शन जो नंबर्स या फिर कोई वैल्यू जनरेट करते हो, इसे ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में अगर इसे देखा जाए, ये लाइनें जो हैं इन्हें हम रो कहते हैं और ये लाइनें जो हैं वो कॉलम्स कहते हैं। यानी कि अगर मैं एक छोटा सा मैट्रिक्स, बहुत छोटा सा मैट्रिक्स बनाता हूं, ये एक मैट्रिक्स मैंने बनाया, तो इसमें ये पहली रो है जिसमें 1 2 5 आता है, ये दूसरी रो है जिसमें 3 4 6 आता है। इसी तरीके से हमारे जो 1 3 है, ये एक हो गया, ये 2 4 एक कॉलम हो गया और 5 6 एक कॉलम हो गया, 3 कॉलम हो गया आपके। तो ये रो गई, ये कॉलम हो गई, और इस टाइप के अगर हमारे पास m रोज हैं, जैसे इसमें 2 है या 3 है, n कॉलम्स हो गए, तो इसको m इंटू n मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स एक होता है और मैट्रिसेस MATRICS से, एक से ज्यादा मैट्रिक्स की बात होती है, मैट्रिसेस के उसमें। अब यह है कि AIJ M into 1 is a column matrix, यानी कि इसका मतलब यह है कि 1 2 3 इस तरीके से नंबर होंगे, ये मैट्रिक्स है, इसमें रो है ही नहीं, इसीलिए देखिए ये रो है सही, कॉलम है, कॉलम केवल एक है, रोज 3 है इसमें। और यहां पर रो मैट्रिक्स की बात करें तो इसको अगर इस तरीके से लिख दूं मैं, इसमें केवल रोज है, कॉलम जो है वो 3 है, इसमें एक ही रो है, रो एक ही है, तो रो एक ही है और कॉलम 3 है, जिसमें रो एक होगी वो रो मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम एक होगी वो कॉलम मैट्रिक्स। इसके अलावा और क्या चीज बताई गई है, m इंटू n मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद m इंटू n, यानी अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं जिसकी रोज और कॉलम्स बराबर हो, जैसे मैं 1 2 3 4 रोज और कॉलम बराबर होगी ना, 2 रो और 2 कॉलम, तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जहां पर m और n बराबर हो, रोज और कॉलम बराबर हो। कैसे, एक मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ AIJ इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, उसमें जो डायगोनल है वही नंबर वहां वैल्यूज होंगी, बाकी हर जगह 0 होंगे। देखिए AIJ इक्वल टू 0, AIJ 1 1, IJ 1 1, 2 2 3 3, वो 0, इस वाले 0 नहीं होंगी क्योंकि I नॉट इक्वल टू J है। तो जो 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरीके से जो नंबर्स होंगे, वो वैल्यूज जो होंगी वो 0 नहीं होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। डायगनल मैट्रिक्स में केवल डायगनल के लिए स्क्वायर होना आवश्यक है, तभी ये डायगनल बन पाएगा, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगनल नहीं बन पाती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगनल मैट्रिक्स वो कहलाते हैं जिनके वैल्यूज, यहां पर जैसे 1 2 3 ये लिख दिया मैंने, बाकी सब 0 कर दीजिए आप, उसे हम डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये तरीका होता है डायगनल मैट्रिक्स का। इसी तरीके से आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें इफ AIJ इक्वल टू K इज सम कांस्टेंट व्हेन I इक्वल टू J, यानी कि आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स इस तरीके से हो गई कि इनटू एन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ AIJ इज इक्वल टू 0, यानी कि व्हेन I इक्वल टू J, यानी कि बाकी सब तो 0 है, और AIJ इज इक्वल टू K सम कांस्टेंट, यहां पर K हो गया, यहां पर K हो गया, यहां K हो गया, बाकी सब 0 हो जाएंगे, बाकी सारी वैल्यूज जो हो जाएंगी वो 0 हो जाएंगी, क्या ये आपका K होगा। इसी तरीके की मैट्रिक्स अगर इसे K आप कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, 1 1 1, है ना, आपके पास बाकी 0 होंगे और ये जो डायगोनल की वैल्यूज होगी वो सारी 1 हो जाएंगी। और 0 मैट्रिक्स में क्या होंगे कि सारे टर्म्स अंदर 0 होंगे, इसे हम 0 मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी आप मैट्रिक्स ले लीजिए, अंदर के सारे टर्म 0 होंगे, उन्हें 0 मैट्रिक्स कहते हैं।
अच्छा, अब अगर दो मैट्रिक्स ए और बी, और ए और बी अगर सेम ऑर्डर के हैं, तो ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए आई जे। अगर हम ए और बी को सेम मानते हैं, कोई मैट्रिक्स हमारे पास दो है, ऐसी एक मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है, हम इसको इक्वल मानते हैं, तो इसका मतलब हर जो एलिमेंट है वो दूसरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा और सेम होना चाहिए। लेकिन इसी तरीके से ये कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैट्रिक्स में, सारे एलिमेंट से करेंगे इसको, और देखिए एक कॉन्स्टेंट स्मॉल एलिमेंट अंदर ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं। अच्छा, माइनस ऑफ ए किसी मैट्रिक्स का माइनस मतलब ये होता है कि माइनस वन इंटू दैट होल मैट्रिक्स का माइनस होगा यहां पे। फिर है a माइनस बी, अगर दो मैट्रिक्स का डिफरेंस ले रहे हैं तो इसका मतलब ये a प्लस माइनस वन इंटू बी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन की तरह है ये, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दो मैट्रिक्स का अगर आप एडिशन लेंगे तो a से b को ऐड करिए, b से a को ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है और ये एसोसिएटिव है। a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी को पहले करें फिर c से एडिशन कर लें, या a को b प्लस सी से कर लें, ये एसोसिएटिव है। इसी तरीके से कोई एक कांस्टेंट को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए और बी से, इसका मतलब के ए इंटू के बी है, ये मल्टीप्लीकेशन है, और यहां पर के प्लस एल इंटू ए है, तो के इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, के और एल कांस्टेंट है। यहां पर है इफ ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं आपके पास, देन ए बी इज इक्वल टू सी, मल्टीप्लीकेशन आपका ए बी का सी आएगा, और इसका जो मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आएगा, देखिए इस मल्टीप्लीकेशन तभी हो सकता है जब पहले वाले के जो कॉलम है वो दूसरे वाले के रो के बराबर है, एन और एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन का बता रहा हूं मैं आपको। मल्टीप्लीकेशन तभी हो सकता है जब पहले वाले का जो नंबर ऑफ कॉलम्स हो वो दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में रिजल्ट आएगा। मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा, ये मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कैसे करेंगे, जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको किस तरीके से करते हैं। अभी फिलहाल इसको आप मान लीजिए कि हर रो का कॉलम से मल्टीप्लीकेशन होता है, हर रो का कॉलम से मल्टीप्लीकेशन होता है, और ये जैसे रो और कॉलम का हो गया तो इसको हर एक टर्म को मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन करके वो यहां पर रख देते हैं, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। यहां पर देखिए मल्टीप्लीकेशन भी आपका एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव भी है, ए इंटू बी सी इक्वल टू इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, और यहां पर अगर ए बाहर है तो ए बी और प्लस ए सी हो जाएगा, यहां पर सी बाहर है तो ए सी प्लस बी सी हो जाएगा। अच्छा, ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो इसका ए डैश है, ए ट्रांसपोज क्या होगा, आप देखिए एम इंटू एन है ना, ये एन एन इंटू एम हो जाएगा, यानी ए आई जे विल बी इक्वल टू ए जे आई, हर टर्म जो है रो का कॉलम हो जाएगा, कॉलम का रो हो जाएगा, बस इतना करना है आपको। फिर इसके बाद यहां पर आया कि एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज कर दें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरीके से आप कोई एक मैट्रिक्स है उसको के से मल्टीप्लाई करें तो के को बाहर लेके इसका ट्रांसपोज अलग से कर सकते हैं। ए और बी का ट्रांसपोज कॉमन कैसे होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसी तरीके से ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ध्यान दीजिएगा पहले बी आया यहां पे। अच्छा, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक्स क्यों सिमेट्रिक बहुत पूछा जाता है खासतौर पर कॉम्पिटिशन में। तो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स यदि ए डैश इज इक्वल टू ए, यानी कि ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर हो गया तो सिमेट्रिक, और ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर हुआ तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे, कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सम ऑफ मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है उनको जोड़ के बनाया जा सकता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन ये वाले हैं, ये भी हम मैं करके दिखाऊंगा अच्छे से। आप किसी भी इसमें रो को कॉलम में बदल सकते हैं, कॉलम को रो में बदल सकते हैं, ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, साथ में आप के से किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं किसी भी रो को किसी रो से, कॉलम को किसी कॉलम से।
फिर आया है ए और बी अगर स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे सच दैट ए बी इंटू बी ए इक्वल टू आई, अगर ये होगा देन बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अगर ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बी को ए से और रिजल्ट आई आ रहा है तो ए और बी अब ये कह सकते हैं बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो इसको ए इनवर्स से डिनोट कर देंगे बी इक्वल टू ए इनवर्स और ए इज द इनवर्स ऑफ बी, क्योंकि ए और बी इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई आ रहा है तो ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। और इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, ये यूनिक होता है अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसके भी कंडीशन हम देखेंगे। तो ये बात हुई समरी की जो एनसीईआरटी की बुक में दी है, अब इसके प्रॉब्लम्स करेंगे हम।